आखिरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट में समय रहते अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव कर लिया है। नई रणनीति के तहत हुड्डा गुट इस प्रयास में है कि हाईकमान यदि प्रदेश अध्यक्ष के पद को कोई परिवर्तन नहीं करता है तो हरियाणा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम मंजूर कर लिया जाए। इसके लिए बाकायदा लॉबिंग शुरू हो गई है। इस उपक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम नबी आज़ाद को हुड्डा समर्थित विधायकों ने एक अनुरोध पत्र लिखकर भेजा है। गौरतलब है कि अल्पमत में आने के बाद अभय सिंह चौटाला से नेता प्रतिपक्ष का पद छीन लिया गया था, जिसे हासिल करने के लिए किरण चौधरी ने एक पत्र स्पीकर के नाम लिख दिया था, जिसके लिए अशोक तंवर ही नहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सहमत नहीं हुए थे। उधर मानसून सत्र में किरण चौधरी की महत्वाकांक्षाओं को हवा देते हुए विधानसभा स्पीकर कंवरपाल गुज्जर ने अभय सिंह चौटाला की सीट किरण चौधरी को अलॉट कर दी, जिससे न केवल किरण चौधरी की महत्वाकांक्षाओं को पंख लग गए बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के भीतर महत्वाकांक्षाओं की उड़ान भरने लगी। लिहाजा नई रणनीति के तहत हुड्डा गुट ने कदाचित यही फैसला लिया है कि अशोक तंवर को नहीं बदला जाता तो कमोबेश नेता प्रतिपक्ष का पद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दिया जाए, जिससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सियासी कद व रुतबा बढ़ जाएगा। यही नहीं, हुड्डा के जनाधार वाले जिलों में हुड्डा का रोब व रुतबा मुख्यमंत्री की हैसियत के समान प्रचारित किया जा सकेगा। इस रणनीति के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह किया है कि अब इसे लेकर अनावश्यक देरी न की जाए, क्योंकि अक्टूबर महीने में चुनाव हैं। इसलिए 18 अगस्त से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा यह रुतबा हासिल कर लेते हैं तो जाहिर है 18 अगस्त को रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मान बढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।